नमस्कार, मैं हूँ आपका उमा शंकर त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शो में आप सबका स्वागत करते हैं। और भाई, बड़ा रिजल्ट, बड़ा न्यूज कल आप सब लोगों ने सुना और सब लोगों को चौंकाने वाला नतीजा वहाँ देखने सुनने को मिला। तो पंजाब का बात करेगा, पंजाब में सबसे ज्यादा उम्र जो बड़ा उम्र का आदमी था उसका बात करें, उमर दराज, और सबसे युवा उम्मीदवार ने जीता चुनाव पंजाब के अंदर। एक बड़ा बात कल देखने को मिली, एक तरह बहुत बुजुर्ग जो बुढ़ा बोल सकते हैं इसको, एक बूढ़े व्यक्ति ने वहाँ सबसे ज्यादा उम्र का आदमी उसने अपना चुनाव जीता। एक सबसे कम उम्र वाला जो छोटा ये कह सकते हैं लड़का है उसने अपना चुनाव वहाँ जीता। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 10 साल के बाद अपना जीत दर्ज किया, बड़ा जीत लिया कांग्रेस पार्टी वालों ने पंजाब के अंदर। बाकी राज्यों में तो उनका ही कह सकते हैं कि वहाँ से बहुत कम सीट मिला, लेकिन पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ अपना सरकार बनाने जा रहा है कांग्रेस पार्टी पंजाब में। तो पंजाब विधान चुनाव में सबसे ज्यादा उम्र का और सबसे कम उम्र का जो उम्मीदवार थे वो जीतने में कामयाब हुए। तो कौन कौन है? श्रोमणी अकाली दल का बात करेंगे तो जो संरक्षक और ये कह सकते हैं पंजाब का मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, 89 इनका एज है, 89 साल का इनका उम्र है और कह सकते हैं कि चुनाव जीता है। तो चुनाव जीत लिए, बहुत बुजुर्ग उम्मीदवार हैं, बहुत पुराने उम्मीदवार हैं, और इसके साथ साथ अपने राजनीतिक करियर का आखिरी दौर भी प्रकाश सिंह बादल ने अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा। तो आखिरी दौर के अंदर अगर बात करें तो वहां भी जीत का पंचम लहराए। इससे पहले बात करें तो ये कह सकते हैं आज के नतीजे के साथ साथ बादल जो प्रकाश बादल है 11वीं बार विधानसभा का चुनाव जीत चुका, 11 बार जीत चुका यहाँ से, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 11 बार। तो बात करें 1957 की, 1957 ने अपना पहला चुनाव लड़ा था और जीत गए थे। बड़ा एक चेहरा पंजाब का प्रकाश सिंह बादल जीत चुके हैं और बड़ा फायदा यहाँ प्रकाश सिंह बादल को मिला। और बादल ने कांग्रेस का जो कद्दावर नेता था कैप्टन अमरिंदर सिंह, विधानसभा सीट के ऊपर 22,770 वोट के साथ बड़ा अंतर से मात दे दिया। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला था कि भाई आखिरी चुनाव है, तो आखिरी चुनाव में उन्होंने भी आखिरी पत्ता जो ऐसा फेंका कि वो भी सफल हो गए, आज पंजाब का मुख्यमंत्री का कुर्सी ऊपर बैठने जा रहा है। तो बड़ा फायदा अमरिंदर सिंह ने पटियाला सीट को एक ऐसे वहां से चुनाव लड़ा, लेकिन वहां से उनको जीत मिला। दो सीट के वो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, एक लंबी क्षेत्र और दूसरा पटियाला क्षेत्र। पटियाला क्षेत्र का सीट वो जीत चुके हैं, बड़ा फायदा मिला अमरिंदर सिंह को वहां से, और कांग्रेस को जीत दिलाने में बड़ा अहम रोल रहा कैप्टन अमरिंदर सिंह का। तो दूसरा बात करें पंजाब में चुनाव का जो बड़ा एक दूसरा चेहरा 25 साल का दुविंदर सिंह घुबाया, दुविंदर सिंह घुबाया जो शेर सिंह घुबाया का लड़का है, सबसे कम उम्र का उम्मीदवार था, 25 साल का लड़का जीते। तो वो श्रोमणी अकाली दल के अलग हो चुके, जो उनका पापा सांसद है शेर सिंह घुबाया, उसके पापा हैं, उसको उसका बेटा है। तो कह सकते हैं भाजपा का नेता और कैबिनेट मंत्री सुरजीत सिंह ज्ञानी, ज्ञानी है जो सुरजीत सिंह ज्ञानी, और फाजिलका सीट के ऊपर हरा करके दविंदर सिंह घुबाया जो है वो मैच ये कह सकते 265 वोट से मात दे गए। तो दविंदर ने जो ज्ञानी है उनको 265 वोट से मात दे करके पीछे छोड़ दिया, पछाड़ करके आगे निकल गए। तो बड़ा फायदा फाजिल का सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी को मिला, बड़ा उम्मीदवार, बड़ा ये कह सकते हैं कि एक चेहरा बन करके ये 25 साल की उम्र में यहाँ का ये कह सकते कि एमएलए बन गए और भाई जीत चुके हैं, विधायक बन चुके हैं। तो बड़ा फायदा इनको यहाँ मिला। तो कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, दूसरी तरफ श्रोमणी अकाली दल का एक लंबी उम्र का चेहरा, दोनों जीत गए। तो बड़ा फायदा मिला कांग्रेस पार्टी का, सरकार पंजाब में बनने जा रहा है। लेकिन बता दे एक तरफ 79 साल का, एक तरफ 25 साल का उम्र, दोनों जीत गए। तो बड़ा एक न्यूज था। बाकी का रिजल्ट सुनने के लिए आप देखते रहें आज न्यूज़ बाला। सबको बोलेंगे भाई नमस्कार।